नमस्कार दोस्तों, मैं रविंदर ठाकुर वेटरन्स एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी हाल ही में एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक की तरफ से। असिस्टेंट मैनेजर की रेगुलर पोस्ट निकली है जिसे IBPS कंडक्ट करेगा। दोस्तों, क्या क्या खास चीज़ें हैं नोटिफिकेशन में, आज देखते हैं कि फॉर्म कब फिल होना स्टार्ट हो जाएंगे, लास्ट डेट क्या होगी, फीस क्या है, ये हर एक जानकारी आपको इस नोटिफिकेशन में देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, ये देखिए आपके सामने नोटिफिकेशन है और नोटिफिकेशन में यहाँ पे देखिए ये 10 तारीख से, मतलब 10 आपका सितंबर से ये फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो चुके हैं 10 तारीख से, और इसकी जो लास्ट तारीख है 30 तारीख है। ठीक है दोस्तों, 30 सितंबर लास्ट डेट है फॉर्म भरने की। इसीलिए जो स्टूडेंट एक्चुअल में इस एग्जाम को देना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि हिमाचल कोऑपरेटिव बैंक में असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पे लगे, तो भाई दोस्तों आपको शुरुआती दिनों में ही फॉर्म भर देना चाहिए और अपनी तैयारी को सारा, मतलब ध्यान तैयारी पे रहना चाहिए। फॉर्म शुरुआती दिनों में भर दो, ऐसा ना हो कि बाद में कोई टेंशन क्रिएट हो कि सर साइट हैवी हो रही है, टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ रही है या हम भूल गए हैं, तो ये बाद में बहाने जो है वो आपको मतलब खामखा प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे। ठीक है, इसलिए कह रहा हूँ कि आप शुरुआती दिनों में हर एक टेस्ट जब आपका निकलता है, मैं यही हर एक वीडियो में कहता हूं कि भाई शुरुआती दिनों में फॉर्म भर दो। ठीक है, अब इस फॉर्म की फीस क्या है देखिए, यहां पे जनरल कैटेगरी का जो स्टूडेंट है या ओबीसी ऑफ हिमाचल प्रदेश, उसके लिए 1000 की फीस है। ईडब्ल्यूएस 800, एससी एसटी बीपीएल अंत्योदय, ठीक है, उनके लिए 800 की फीस है। फीमेल कैंडिडेट ऑफ ऑल कैटेगरीज 800 की फीस है, और इसके अलावा जो और कैंडिडेट हैं हिमाचल के बाहर के हैं वो जनरल कैटेगरी में ही काउंट होंगे, तो उस तरह की फीस आपको जो है भरनी पड़ेगी 1000 के हिसाब से। ठीक है जी, डेट ऑफ डाउनलोडिंग ऑफ कॉल लेटर, ठीक है, यहाँ पे मेंशन उन्होंने पहले कर दी कि अराउंड 7 days बिफोर एग्जामिनेशन जो डेट है, ठीक है, तो उस टाइम मतलब जब आपका एग्जाम होगा तो उससे 7 दिन पहले आपका जो है जो कॉल लेटर को आप डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ में ये भी मेंशन किया है डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन की, ऑनलाइन जो एग्जाम है आपका कब तक हो सकता है, तो देखिए प्रपोज्ड इन द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर, अक्टूबर और नवंबर में ये एग्जाम हो सकता है। ऐसा देखिए IBPS का एग्जाम भी चल रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि शायद नवंबर तक पेपर हो सकता है, बट आप अपनी प्रेपरेशन उस तरीके से ही लेके चले। ठीक है जी, डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन भी उन्होंने बता रखा है, अराउंड 1 month आफ्टर द कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन जो है आपका, यहां पे बताया कि डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट कब आएगा, एग्जाम के 1 month के बाद आपका रिजल्ट आने की पूरी संभावना रहेगी। ठीक है, कितनी पोस्ट है ये भी आपके सामने, टोटल दोस्तों टोटल जो है 61 पोस्ट असिस्टेंट मैनेजर की यहां आपके सामने देखने को मिलती है। इनमें जनरल कैटेगरी के 23 पोस्ट है, EWS 5 पोस्ट है, SC के लिए 10, OBC 6, ST एक्स सर्विस मैन जनरल के लिए 8 है, ठीक है, एक्स सर्विस मैन SC 1 है, जनरल WFF जो है आपका फ्रीडम फाइटर 1 जो है आपको यहां पे टोटल कुल मिला के आप देखते हैं कि 61 पोस्ट आपके सामने। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिए अदर क्राइटेरिया में अगर हम जाते हैं, देखिए इन्होंने सैलरी के लिए भी यहां पे मेंशन कर दिया है, अप्रोक्स जो है 35,000 तक की सैलरी आपको स्टार्टिंग में यहां पे मिलेगी। इसके अलावा देखिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, कौन जो लोग इसको अप्लाई कर पाएंगे, तो देखिए असिस्टेंट मैनेजर पोस्ट के लिए आपको अ सेकंड क्लास ग्रेजुएशन डिग्री, मतलब जो है सेकंड डिवीजन के साथ जिस किसी पर्सन ने ग्रेजुएशन की है वो इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है अदरवाइज। ठीक है, और इन केस ऑफ कैंडिडेट, ठीक है, इसमें एक और चीज उन्होंने बताई हुई है कि अगर किसी पर्सन के पास 3 साल का बैंकिंग सेक्टर में एक्सपीरियंस है तो भाई वो सिंपल ग्रेजुएट जो पास वो भी चलेगा, मतलब उसमें कोई जो परसेंटेज क्राइटेरिया काम नहीं करेगा, वो उसके लिए अप्लाई कर सकता है अगर उसके पास 3 साल का बैंकिंग में एक्सपीरियंस है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्या है कि भाई सिलेबस क्या रहेगा, पैटर्न क्या होगा, देखिए पैटर्न ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन, मतलब पेपर आपका ऑनलाइन है, IBPS पेपर कंडक्ट कर रहा है, तो जैसे आप जानते हैं कि अगर आप इस बार भी अगर आपने IBPS दिया होगा तो आपको पता है कि प्री मेंस इंटरव्यू, तो यहां पे भी प्री मेन और इंटरव्यू के हिसाब से ही जो सारा पैटर्न है, तो प्री में क्या रहेगा
देखिए इंग्लिश लैंग्वेज है, न्यूमेरिकल एबिलिटी मैथ है, और रीजनिंग है मेंटल एबिलिटी है. तो वही है, 30 क्वेश्चन इंग्लिश के है, 35 आपके मैथ के, 35 रीजनिंग के, तो सेम मार्क्स सेम क्वेश्चन. और मेन जो है, जो मेन चीज देखनी पड़ती है वो टाइमिंग है. 60 मिनट में 100 क्वेश्चन कवर करने हैं, बट 20-20-20 ईच जो है सब्जेक्ट में आपको यहाँ पे टाइम दिया होता है. इसी टाइम के बीच में आपको ये जो आपको एग्जाम सब्जेक्ट वाइज कवर करना होता है. जैसे आपका एग्जाम चल रहा है, ठीक है, आप 20 मिनट में इंग्लिश कंप्लीट कर रहे हो, जैसे 20 मिनट कंप्लीट होंगे आपके तो अगला सेक्शन स्टार्ट हो जाएगा. इस तरीके से ये सिस्टम चलता है. इसीलिए आपको एक अच्छी प्रैक्टिस करना जरूरी है, अच्छी तैयारी रखें, कॉन्सेप्ट अच्छे क्लियर है, फिर रेगुलर जो है टाइमिंग के साथ जो एग्जाम जिस तरह का है उस तरह से मॉक लगाएंगे तो आपकी बड़ी अच्छे से प्रैक्टिस संभव है. ठीक है, अब क्या है यहाँ पे वर्जन भी इन्होंने बताया भी कैसे कैसे होगा. तो बाइलिंगुअल है, मतलब इंग्लिश एंड हिंदी दोनों ही लैंग्वेज होंगी. ठीक है, जैसे मैथ और रीजनिंग आपको लगता है इंग्लिश, तो इंग्लिश में भी कर सकते हैं, हिंदी या हिंदी में भी आप ये लैंग्वेज चूज कर सकते हैं. और इंग्लिश तो आपको पता ही है कि लैंग्वेज है, वो तो इंग्लिश में रहेगा आपका. ठीक है, क्लियर हो गया जी. अब नेक्स्ट है, जब पेपर वन क्लियर होगा, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है मेंस एग्जाम के लिए. ठीक है, तो भाई जब मेंस एग्जाम में आते हैं तो मेन एग्जाम के साथ जब आपका इंटरव्यू होगा उसी की मेरिट बनती है. जो फर्स्ट पेपर जो होता है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है आपका मेंस में पहुंचने के लिए. तो जो फेज टू जो मेन एग्जाम है उसका सिलेबस क्या है, रीजनिंग और कंप्यूटर इसमें ऐड हो जाएगा, 50 नंबर का होगा ये. ठीक है, और 50 क्वेश्चन होंगे इसमें. क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो है मैथ है आपका, जिसमें डेटा जो एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन होता है जिसको डीआई कहा जाता है, ठीक है, वो आएगा आपका, मतलब क्वांट है. ठीक है, वो 50 क्वेश्चन है, 50 नंबर का हो गया. ठीक है जी, इंग्लिश जो है 50 क्वेश्चन 50 नंबर. जनरल अवेयरनेस जिसमें आपका इकोनॉमी बैंकिंग अवेयरनेस फाइनेंशियल अवेयरनेस होता है, तो वो 50 जो क्वेश्चन होंगे 50 नंबर का. तो टाइम यहां पे मेंशन है कि भाई आपका रीजनिंग कंप्यूटर के लिए भी 60 मिनट मिल रहे हैं, क्वांट के लिए भी 60 मिनट मिलते हैं 50 क्वेश्चन के लिए, इंग्लिश के लिए आपको 30 मिनट मिलेंगे और जनरल अवेयरनेस के लिए भी 30 मिनट मिलेंगे. 180 जो है मिनट होंगे 200 क्वेश्चन कवर करने के लिए. तो यहाँ जो टाइम है मेरे हिसाब से तो मुझे लगता है कि मेंस के लिए अच्छा टाइम मिला है, बट आपकी प्रैक्टिस अच्छी तो बड़े आराम से कर सकते हैं. यहाँ एक और चीज देखने वाली है कि देखिए, जनरल अवेयरनेस विल बी इंक्लूड क्वेश्चन आल्सो हिमाचल. तो यहाँ पे एचपी जीके भी आपका जनरल अवेयरनेस में पूछा जाएगा. ठीक है दोस्तों, तो ये ध्यान देना है कि इस सेकेंड फेज में आपका जो हिमाचल जीके भी करवाया जाता है. ठीक है जी, अब यहाँ पे सिलेबस जो है उन्होंने जो पैटर्न सिस्टम बता रखा है, प्री क्लियर करेंगे फिर मेंस में है तो कैसे कैसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ये कंप्लीट चीजें यहाँ पे दे रखी हुई हैं. और एज की बात करें तो भाई एज मैं आपको बता देता हूँ कि एज क्राइटेरिया 18 से लेके 45 साल तक की एज के व्यक्ति इसको अप्लाई कर पाएंगे. 18 साल से उम्र कम नहीं होनी चाहिए और 45 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए. 1 जनवरी 2022 को ये क्राइटेरिया जिसका कंप्लीट है, मतलब 18 साल से ऊपर है 45 साल से कम है, तो वो लोग इस जो एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं. और जो एज रिलैक्सेशन जो चलती है हर एक एग्जाम के लिए, एससी एसटी के लिए 5 ईयर, एक्स सर्विस मैन के लिए जो उनका क्राइटेरिया होता है एज रिलैक्सेशन 12 ईयर, तो या फिर पीडब्ल्यूडी 5, ओबीसी 5, वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर, ठीक है, तो 5, तो इस तरीके से जो कैंडिडेट ऑलरेडी गवर्नमेंट सर्विस में 5 साल, तो इस तरह का जो क्राइटेरिया जो है रिलैक्सेशन उनको एज का यहां पे मिल जाता है. अगर आप प्रॉपर डिटेल में जाना चाहते हैं भी क्या क्या क्राइटेरिया और रहेगा, जो छोटी छोटी चीजें आपको लगता है कि जानने की है, रहेगा कि मुझे जानना है, तो ये नोटिफिकेशन जो है कंप्लीट आप देख सकते हैं. मैं डिस्क्रिप्शन में इस जो नोटिफिकेशन का लिंक वहां पर डाल दूंगा, तो आपकी अदर जानकारी जो आपको चाहिए तो मिल जाएगी. अगर आपको लगता है कि नहीं उसमें भी कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, नहीं समझ आ रहा है, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, जैसे 9041041024, तो आप इस नंबर से हमसे बात कर सकते हैं, अपनी जो भी आपके डाउट्स होंगे वो क्लियर कर सकते हैं दोस्तों. ठीक है दोस्तों, अभी देखिए सितंबर चल रहा है, सितंबर कहा जा रहा है, इन्होंने कहा अक्टूबर एंड नवंबर, तो मुझे मेरे हिसाब से लगता है नवंबर स्टार्टिंग में या मिड में एग्जाम हो सकता है. तो आपके पास अप्रोक्स जो अगर मैं टाइम लेके चलता हूं, मतलब 1.5 मंथ आपके पास है, तो इस 1.5 मंथ में आप प्रॉपर प्लानिंग के साथ अगर चलेंगे और आपकी तैयारी
अच्छी चल रही है, आपको लगता है और स्पीड अप करनी है, तो अभी आप हमसे बात कर सकते हैं। आप हमारा कोई कोर्स परचेज करना चाहते हैं, आपको लगता है कि कंप्लीट कोर्स परचेज करना है ताकि मैं टाइमली जल्दी कवर कर सकूं, तो रिकॉर्डेड कंप्लीट कोर्स है। आपको लगता है पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आती है, वो भी हमसे आप परचेज कर सकते हैं। आपको लगता है कि नहीं सर मुझे कोई डिस्कशन सिर्फ सलाह की नीड है, तो एनी टाइम फ्री ऑफ कॉस्ट आप डिस्कशन कर सकते हैं कौन सी बुक फॉलो करनी है, ये भी हम आपके साथ प्रॉपर शेयर कर लेंगे कैसे टेस्ट कवर करना है, तो ये जानकारी हम आपके साथ शेयर कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से कोई और जानकारी अगर चाहिए, अगर इसी तरह से कोई अपडेशन निकलते हैं, हम आपके साथ बने रहेंगे और वीडियो आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अगर आपको लगता है कि हमारे वीडियोस आपके किसी काम के रहते हैं और इनसे आपको फायदा मिलता है, तो प्लीज हमारे इस जो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।